बच्चों, ये आपका दूसरा चैप्टर है मात्रा को पहचानना। ये मात्रा आपको अब तक आपने क्या सीखे, वर्ण अक्षर, और अब क्या सीखना है आपको, मात्रा। तो जैसे ये का होता है, तो का एक अक्षर है, जबकि का क्या है, का क्या है, मात्रा है। ये मात्रा कहाँ से आया, आ से। आ का मात्रा, आकार किसमें लग गया, का में, का में आकार क्या हो गया, का। ये मात्रा हो गया। तो मात्रा वाले कौन कौन से अक्षर, का, हर अक्षर में लगेगा मात्रा। ये स्वर वर्ण में मात्रा का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि स्वर वर्ण मात्रा वाले अक्षर स्वयं में है, और जो व्यंजन वर्ण है उसमें स्वर वर्ण का मात्रा लगता है। तो ओकर, आकर, ओकर, हसेकर, दुबेकर, हसुकर, दुगौकर, एकार, अयकार, अनुस्वार और विसर्ग की मात्रा प्रयोग होता है। इन सभी मात्रा का प्रयोग आपको देखना है, जैसे कि आपके बुक में लिखा हुआ है अ, घ, घर, घर, आ, का में आकर गज, कागज। तो इस तरह सारे मात्रा वाले अक्षर आपके दिए हुए, ईद, गई, ती, तीर, तीन। तो आपके बुक में सिर्फ दो दो मात्रा है, ठीक है, लेकिन आपको सारे मात्राओं के दस दस अक्षर आपको अपने बुक में से चुनकर लिखना है या मम्मी पापा से पूछ कर लिखना है।